स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल आर के में। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को समयुग्म जी और विषमयुग्म जी में अंतर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं समयुग्म जी होमोजिगस बोलते हैं जिसे, और युग्मक और जींस ये दोनों इसमें एक समान होते हैं। और विषमयुग्म जी में होते हैं जो हिटरोजिगस उसमें युग्मक और जीन एक समान नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे समयुग्म जी पर, उसके बाद से विषमयुग्म जी पर। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। समयुग्म जी मतलब होता है कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं, इसमें प्रभावी और प्रभावी दोनों आते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मार्टी और स्मार्टी। देखिए इसमें जो है यह दोनों समयुग्म जी हैं, और इसमें जो आते हैं वो आते हैं, एक कैपिटल टी रहेगा तो एक स्मार्टी, एक कैपिटल आर रहेगा तो एक स्मॉल आर रहेगा। तो यह है विषमयुग्म जी। अब ये कैसे आते हैं और ये कैसे आते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे विषमयुग्म जी में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें एक उदाहरण देख लीजिए कि जब हम किसी लक्षण को दो अलग अलग वाले लक्षणों से मिलाते हैं, दो अलग अलग प्रकार के लक्षणों से मिलाते हैं तो उससे हमें विषमयुग्म जी मिलते हैं। जैसे कैपिटल टी लेते हैं और स्मॉल टी लेते हैं। अब यहाँ से ये जो कैपिटल टी और ये कैपिटल टी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण यानी दोनों हैं, और प्रभावी लक्षण ये प्रभावी लक्षण और ये अप्रभावी लक्षण। अब इसमें से ये दो कैपिटल टी है ना, एक कैपिटल टी और ये एक कैपिटल टी, और इसमें से दो स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी एक स्मॉल टी। अब एक स्मॉल टी है एक ये, एक कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी है। अब इसमें जो बात है कि कैसे होगा, तो देखिए इसमें से एक कैपिटल टी को हम एक स्मॉल कैपिटल टी से मिला देंगे, जिसे बोलते हैं संकरण कराएंगे। संकरण कैसे कराएंगे कि इसका पहले कैपिटल टी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और इसमें से इस पहले स्मॉल टी को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या कौन सा चिन्ह है, ये है विषमयुग्म जी बोलते हैं जिसे, वह यही है विषमयुग्म जी। अब इसमें आया है, फिर इस कैपिटल टी को दूसरे वाले कैपिटल टी को दूसरे वाले स्मॉल टी से मिलाएंगे तो ये भी वही होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये F1 पीढ़ी से मिलाया गया है। तो इसी तरह से ये दोनों क्या है, विषमयुग्म जी। और इसको बोलते हैं कौन सा पौधा बोलेंगे, ये शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध बौना पौधा है। तो ये क्या होगा, ये सभी लंबे पौधे ये भी, ये सभी लंबे पौधे। तो इसे बोलते हैं विषमयुग्म जी। अब इस पर बात आता है कि इसमें समयुग्म जी कैसे आएंगे, इसमें समयुग्म जी कैसे आएंगे। तो चलिए इसको हम बताते हैं। तो देखिए अगर पहले हम विषमयुग्म जी को ले लेते हैं, इसमें भी ये होगा विषमयुग्म जी और ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए ये दोनों विषमयुग्म जी हैं, अंतर देखिए इसमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी विषम है, ये भी विषम है। तो इसमें इस कैपिटल टी और इसको एक कैपिटल स्मॉल टी है, यह कैपिटल टी है, और इसमें एक कैपिटल टी है और इसमें एक स्मॉल टी है। देखिए जब ये पहले वाले कैपिटल टी से इसमें पहले वाले कैपिटल टी को करेंगे तो कैपिटल टी मिलेगा, ठीक, जिसे बोलते हैं प्रभावी लक्षण, बड़ा पौधा, लंबा पौधा। और इस ये दूसरा जो स्मॉल टी है और इसमें से दूसरा स्मॉल टी को लेंगे तो यहाँ पे होगा स्मॉल टी यानी कि ये क्या है, शुद्ध बौना पौधा, ये शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। तो ये क्या है, समयुग्म जी, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक समान हो। तो यही है जिसमें बताया थे आपको, युग्मक और जींस दोनों एक समान होते हैं, इसमें युग्मक और जींस दोनों एक समान नहीं होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विषमयुग्म जी। और इसमें जो एक युग्मक और जींस एक समान होते हैं उन्हें बोलते हैं समयुग्म जी, जिसे बोलते हैं होमोजिगस, और इसको बोलते हैं विषमयुग्म जी को हेटरोजिगस। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बताएं कि वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।